नमस्कार दोस्तों, आज के सीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरियंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के स्टॉक के ऊपर। और ये स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने का बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम आज आया और उसके बाद स्टॉक में वापस से वो लेवल आ गया। ये अपसाइड मोमेंटम आने के पीछे का रीजन क्या था उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज का क्लोजिंग प्राइस 9.05 है, एक दिन का अगर देखें तो 1.69 है। और ये 9.05 का लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है उसका भी चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। बीएससी की साइट के ऊपर आप देख सकते हैं कि दोस्तों एज पर आवर इंटीमेशन डेटेड थर्ड 2023 अप्रैल 3, बेटा विंड फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ ओरियंट ग्रीन पावर कंपनी ऑब्टेंड सेंसेशन ऑफ फ्रॉम आईआरईडीए फ्रॉम रिफाइनेंसिंग द एग्जिस्टिंग टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी अमाउंट ऑफ 721.21 करोड़ विद एडिशनल टर्म लोन फैसिलिटी अमाउंट ऑफ 4.90 करोड़ एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.40 पर एनएम एंड एक्सटेंड कॉर्पोरेट गारंटी एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ बेटा फॉर 726.11 करोड़ लोन। और ये न्यूज के चलते ही दोस्तों स्टॉक में आज एक अपसाइड मोमेंटम आया, फिर नीचे आ गया। अगर यहाँ पे बात करें 5 दिन के अंदर मोमेंटम में स्टॉक में तो -3.72% का मोमेंटम है। एक मंथ के अंदर 11% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने, 6 मंथ के अंदर 8.38% का है। एक साल के अंदर देखा जाए तो दोस्तों 19% का नेगेटिव मोमेंट है, बट 5 साल के अंदर बात करें तो 8.12% का नेगेटिव मोमेंट है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर स्टॉक बना हुआ है दोस्तों। 2021 में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आया और उसके बाद स्टॉक में कंटिन्यूअस डाउनसाइड आ रही है दोस्तों। अगर यहाँ पे दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फोकस है, तो एज अ रिन्यूएबल सेक्टर तो ग्रो होने वाला है। तो आपको इस सेक्टर की कंपनी टाटा पावर है दोस्तों, उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और भी बहुत सारी दोस्तों अच्छी कंपनी है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, वहां पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि फंडामेंटल कैसे है कंपनी के, तो ओरियंट ग्रीन पावर कंपनी जिसका दोस्तों एनएससी का कोड है ग्रीन पावर, मार्केट कैप है 676, बहुत ही छोटी सी दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी में आप डाल सकते हैं। स्टॉक का पी जो है 58.8 है, आरओसी 23 है, आरओई 2.27 है, फेस वैल्यू 10 का है, हाई जो है 13.3 है और लो है 6.80 है। अगर यहाँ पे बात करें क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, तो सेल्स जो है दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर ये क्वार्टर में सेल्स में काफी अच्छी अपसाइड मोमेंटम आई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी काफी अच्छा सुधार आया है। बट अगर आप देखा जाए तो टैक्स सेटलमेंट में दोस्तों स्टॉक नेगेटिव दोस्तों हो गया, बट लास्ट ईयर जो था दोस्तों उसके सामने काफी अच्छा आप बोल सकते हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर में थोड़ा सा दोस्तों आप बोल सकते हैं कि ठीक है, कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं आ रहा है, रिजल्ट अपसाइड आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर डालेंगे तो प्रमोटर अपना होल्डिंग कम कर रहे हैं, जो एक छोटे मझोले स्टॉक में होता है वैसा ही है। FII में आप देखेंगे 0.01% का होल्डिंग है, DII 3.58% का होल्डिंग है और पब्लिक के पास होल्डिंग 63.88 का है दोस्तों। अगर यहाँ पे चार्ट के ऊपर नजर डालते हैं तो चार्ट के ऊपर आपके सामने डेली चार्ट है ग्रीन पावर का और आपके सामने इंडिकेटर सेक्शन है जहाँ पे हमने वॉल्यूम बार सिलेक्ट किया है, वॉल्यूम के साथ दोस्तों मोमेंटम हुआ है। और RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है जिसका वैल्यू है अभी 51.45 ओवर 70 ओवरबोट जोन है, बिलो 30 ओवरसोल्ड जोन है, ओवरसोल्ड जोन में गया था वहां से काफी अच्छी रिकवरी बनी है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकाला है, स्विंग हाई से लेके स्विंग लो को कनेक्ट किया है और वहां पे 23.6% का गोल्डन रेशियो रिट्रेसमेंट निकल रहा है, वो 9.04 का लेवल है दोस्तों। इस लेवल को दोस्तों जब भी पास ऑन किया है तो फिर वहां से स्टॉक ने हमें 10 रुपीज तक के दोस्तों लेवल दिखाया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से करेंगे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के नजरिए से नहीं देखेंगे। 8.90 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और फिर वहां से दोस्तों एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है और हम 9.70 तक के लेवल देख सकते हैं दोस्तों। एक बार ये लेवल को क्रॉस ओवर करें तभी दोस्तों एड ऑन करना है, बाकी दोस्तों नहीं करना है। और दोस्तों ये छोटा मझोला शेयर है तो दोस्तों यहाँ पे रिस्क भी बहुत हाई रहता है और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना इन एंजल वन होम पेज वी जस्ट क्लिक ऑन इंस्टार्टेड और अपने पास प्लस बटन है वहाँ पे हम स्टॉक सर्च करेंगे ग्रीन पावर। ग्रीन पावर का स्टॉक NSE BSE के ऊपर लिस्ट है, NSE के ऊपर क्लिक करेंगे हम दोस्तों बाय बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे जहाँ सामने डिलीवरी ऑर्डर आ जाएगा। आप 1000 क्वांटिटी एड ऑन कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डाल के, मार्जिन रिक्वायर्ड 9050 आप बाय के ऊपर क्लिक करके कन्फर्म बाय करके आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया गया है। और दोस्तों अभी तक आपने एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया था, फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है।